अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है शुएब और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। आलम मेरे साथ नहीं क्योंकि उसको मैंने घर छोड़ दिया और मैं एक और वीडियो बनाने लगा हूँ, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। अगर आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है तो वो कहाँ से करवाना है, ये वो चीज़ है जो आपको हर 15,000 किलोमीटर के बाद करवानी है। और ये आपके दोनों जो पार्टनर हैं आप लोग आपस में दोनों को पता होना चाहिए, और वन बाय वन आप लोग चेंज करवाएं तो अच्छी बात है। एक दफ़ा एक बंदे ने चेंज करवा दिया, दूसरी दफ़ा दूसरे बंदे ने, ताकि एक दूसरे को बात ना हो सके कि यार हर दफ़ा मैं ही ऐसे काम करवाता हूँ। तो ऑयल चेंज मैं करवाने जा रहा हूँ क्योंकि आलम दूसरे काम करवा रहा है, तो हम मिल बांट के चल रहे हैं, तभी हम एक साथ चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, आप लोगों की यूनिटी तभी रहेगी जब आप इत्तेफाक से चलेंगे और मिल बांट के चलेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जाना है ऑयल चेंज करवाने किस जगह पे। जगह का नाम है जी इंडस्ट्रियल एरिया 17 अल अरेबिया ऑटो मेंटेनेंस वर्कशॉप। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अल अरेबिया ऑटो मेंटेनेंस वर्कशॉप इंडस्ट्रियल एरिया 17। गूगल पे मारे आपको लोकेशन मिल जाएगी, सीधा वहां पे जाएं जब आपको टाइम मिले। अब टाइम कम मिलता है, अब मैं अभी निकला हूं तो अभी थोड़ा सा काम तेज होगा क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे काम तेज होता है, तो इफ्तार के बाद जो है काम हो जाएगा बिल्कुल स्लो फॉर 1.5 आवर। उसी टाइम में मैं जाऊंगा ऑयल चेंज करवाने। ऑयल चेंज की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक है। यू कैन गो एनी टाइम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ तो जाएं 6 बजे के बाद, यहाँ जाएंगे या आप जाएं दोपहर को 12 बजे, उस टाइम पे बिल्कुल रश नहीं होगा। आप जाएंगे और 10 मिनट में आप फारिग हो जाएंगे वहां से, जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ, कोई रश नहीं होगा, बस जाऊंगा और आऊंगा, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और कुछ भी नहीं। और जो मेंटेनेंस है उसी जगह पे आपकी मेंटेनेंस के लिए भी आपने जाना है, जैसे ब्रेक शू डलवाए पिछले दिनों तो वहीं से डलवाएं। कोई भी काम मेंटेनेंस से होगा, मेंटेनेंस के रिलेटेड होगा, तो आपको उसी अल अरेबिया ऑटो मेंटेनेंस वर्कशॉप में जाना है। उसके लिए आपको सुबह 8 से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक आपको चले जाना है, उसके बाद वो बंद हो जाता है डिपार्टमेंट। लेकिन जो ऑयल चेंज वाला है वो रात के 10 बजे तक रहते हैं, तो वो आप कभी भी करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मैं बस वहां जाके आपको दिखाता हूं कि वहां जाऊंगा, वहां सिक्योरिटी वाला होगा, वो मुझसे गाड़ी का नंबर और मेरा आईडी नंबर पूछेगा, कंपनी वाला जो मेरा आईडी नंबर है वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद बस ऑयल चेंज करवाएंगे। उन्हें खुद पता है कि कितनी माइलेज चल चुकी है, क्या चीज़ है, वो हर चीज़ क्योंकि गाड़ी वही मेंटेन कर रहे हैं। तो 1,80,000 रुपये हमें दोबारा जाना है, अभी हमारी गाड़ी चली है 1,73,000, तो 1,80,000 पे आलम जाएगा, वो जनरल सर्विस होगी, पूरा गाड़ी का चेकअप होगा क्योंकि हाइब्रिड कार है तो इसकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए फिर वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ये है किंग अब्दुल अजीज रोड, ये सीधा का सीधा रोड जाता है इंडस्ट्रियल एरिया 17 अल अरेबिया ऑटो मेंटेनेंस वर्कशॉप। राइट साइड पे कासमिया महत्ता है, नद कासमिया है, और लेफ्ट साइड पे महत्ता कासमिया है। रोड का नाम अब्दुल अजीज रोड है, किंग अब्दुल अजीज, और ये रोड सीधी की सीधी इंडस्ट्रियल एरिया 17 में जा रही है, जहाँ पे मैं ऑयल चेंज करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से राइट लेते ही हमारे सामने होगी अल अरेबिया ऑटो मेंटेनेंस वर्कशॉप। इस तरह से आपने इधर आना है और अपना ऑयल चेंज करवाना है, कोई सर्विस है, कोई मेंटेनेंस इशू है, तो वो सब यहाँ से होगा। एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको कंपनी में जाना है, अगर मेंटेनेंस का कोई भी काम है वो आपको यहाँ से करवाना है, और अगर ऑयल चेंज वगैरह का है तो वो आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाकी मेंटेनेंस के काम है तो आपको 3 बजे से पहले पहले करवा लेने हैं। ठीक है, ये भी शारजा टैक्सी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे बहुत गाड़ियों के एग्रीमेंट है, कंपनीज के एग्रीमेंट है, शारजा टैक्सी का, यूनियन का, तो 2-3 कंपनीज के यहाँ पे एग्रीमेंट है इनके साथ। गेट बंद नजर आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे रमजान में टाइमिंग चेंज हो गई है। लेट मी चेक विद द सिक्योरिटी गार्ड। सामने जो भाई साहब हैं सिक्योरिटी वाले, उन्होंने बोला कि 7 बजे आओ, अभी यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि रमजान में थोड़ा सा चेंज किया हुआ इन्होंने। लो भी पैनो ते प्रावो ताड़ा प्रा फिर आ गया, क्योंकि मैं भी बड़ा ठीक ठाक, मैं काम करा के जाना। वर्कशॉप के जो हैं दरवाजे खुल गए हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया पट्टी साहब दोबारा आ रहे हैं, अगर हूं ना दरवाजे खोले तो पट्टी साहब भोजन के अंदर राज। चलो फिर सिक्योरिटी वाले से सलाम दुआ करके अंदर जाते हैं। और डंडा चुक दे, चुकया गया जी, नसीबा नाल चुकया जाता।
Hi boss, how are you? No problem. 800 84 107 416. Camry. Shoaib. Thank you so much, brother. Oil change, huh? तो सिक्योरिटी से अंदर आते साथ ही आपने राइट पे गाड़ी मोड़नी है और आप देखेंगे कि ये जो है ऑयल चेंज का सेशन बना हुआ है। एक हमारी गाड़ी पहले से खड़ी हुई है शारजा टैक्सी की, तो मैं इधर से लेके जाऊंगा क्योंकि उधर गाड़ी खड़ी हुई है तो मैं इधर से लेके जा रहा हूँ। अगर उधर गाड़ी ना होती तो मैंने वहीं पर गाड़ी लगा देनी थी, वो भी हमारी शारजा टैक्सी की गाड़ी आई हुई है। इस टाइम पर रश नहीं होता ना, सारे आ जाते हैं, तो यहाँ से हम गाड़ी लगाएंगे अंदर। बड़ी तंग जगह है, तंग जेन तरीके से लगाओ क्योंकि यहाँ पर ना कभी कभार टिच टुच भी होता काम। वो भाईजान हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि सज्जे मोड़ो खब्बे मोड़ो आन दे, मेरे तना रहो सीधा रहो। ये देखो 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 देखो, ओके ये चीज। अब इधर ऑयल चेंज करवाते हैं, ठीक है? और आहो, ये बहुत ही बड़ी वर्कशॉप है और यहाँ पे तकरीबन 2-3 कंपनीज के एग्रीमेंट हैं, सब यहीं से अपने काम करवाते हैं। ये सारा एरिया जो है वो मेंटेनेंस का है, बहुत बड़ी वर्कशॉप है ये। वो खड़ी है मेरी शहजादी, बस अब उसका ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज होगा और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो बस आपको ये बताना था, इंडस्ट्रियल एरिया 17 अल अरेबिया ऑटो मेंटेनेंस वर्कशॉप पे आओ, अपने सारे मेंटेनेंस के काम यहाँ से करवाने हैं आपने, कोई एक रुपया नहीं लगना आप लोगों का, ठीक है? माशाल्लाह से अपनी 3 गाड़ियाँ और आ गई हैं अपनी कंपनी की, सब इसी टाइम पर आ गए हैं क्योंकि सबको पता है इस टाइम पर रश नहीं होता। बस ये सिंपल से सारा सीन है, आप लोग अल अरेबिया के अंदर आ जाओ, लूप सर्विस में आ जाओ, यहाँ पर ऑयल चेंज करवाओ। अगर आपकी जनरल सर्विस होने वाली है तब यहाँ पर होगी, गेयर ऑयल भी हमारा चेंज होना है नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आएँ। वो सामने सर सीट पे बैठे हैं, जो अभी नहीं बैठे उड़ गए। अच्छा, यहाँ पे एक भाईजान बैठे होते हैं, वो आपकी डिटेल्स लेते हैं ताकि आपकी कंपनी को बता सकें कि आपकी ये गाड़ी आई थी, फलान ड्राइवर था, उसका ये आईडी था, वो ये काम करवा के गया। तो बस यहाँ पे आओ, ऑयल चेंज करवाओ, 10 मिनट का काम है, उसके बाद निकल जाओ अपनी ड्यूटी पर। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।